सो फाइंडिंग प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड वर्क फंक्शन. तो थ्योरी क्या है, एच न्यू जो है वो फोटोन की एनर्जी, इसमें से कुछ वर्क फंक्शन, कुछ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज रिटार्डिंग पोटेंशियल. ई को इन दोनों से डिवाइड कर देंगे तो ये वी नॉट आ गया और ये फ्रीक्वेंसी है. तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ किसका, वी नॉट का और फ्रीक्वेंसी का, तो वाई एक्सिस में कौन है, वी नॉट है, और एक्स में कौन है, फ्रीक्वेंसी है. तो ये वी नॉट में वाई है और फ्रीक्वेंसी एक्स में. तो ये क्या बनेगी, स्लोप. तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम इसका इंटरसेप्ट होगा. तो ये क्या है इसकी स्लोप और ये क्या है इंटरसेप्ट. तो स्लोप इसकी एच बाई ई होगी ग्राफ की, और इंटरसेप्ट नेगेटिव इंटरसेप्ट है जो कि इसको कट करेगा वाई एक्सिस पे माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई पे. तो स्लोप अगर हम वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के निकालें तो वो स्लोप क्या होगी, एच बाई ई. तो क्या बताया था, स्लोप ऑफ वी नॉट फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या होगा, एच बाई ई. तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट क्या होगा, एच. इस स्लोप ऑफ वी नॉट फ्रीक्वेंसी ग्राफ इंटू ई, ये लो. तो आपके पास ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट आ गया. और अगर आप इंटरसेप्ट देखें, ये इंटरसेप्ट है. तो वाई एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे इंटरसेप्ट है माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई. तो डब्ल्यू नॉट वर्क फंक्शन क्या होगा, इंटरसेप्ट को ई से मल्टीप्लाई करेंगे और मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि वर्क फंक्शन नेगेटिव नहीं होता, तो आपको पॉजिटिव लेना है. तो ये आपका तरीका है हाउ टू कैलकुलेट वर्क फंक्शन एंड हाउ टू कैलकुलेट प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. ये डिस्कस किया हमने, क्लियर है यहाँ तक.